दोस्तों कल देर रात एक नया नोटिस जारी किया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की वेबसाइट पर। एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने के संदर्भ में ये नोटिस है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ इस नोटिस में क्या डिटेल्स दी गई हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए 26 सितंबर 2020 से 29 सितंबर 2020 के बीच में आप लॉगिन करके अपने सेंटर को चेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होगा कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए ये ऑप्शन छात्रों को दिया गया है, कैंडिडेट्स को दिया गया है, वो डिटेल्स भी यहाँ पर दी गई है। जूनियर इंजीनियर की परीक्षा, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो पेपर वन होगा एग्ज़ाम 2019 का, उसके एग्ज़ाम्स को आप इस सेंटर को चेंज करने के लिए आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी एग्ज़ाम 2019 की परीक्षाओं पर भी एग्ज़ाम सेंटर को चेंज कराया जा सकता है। सेलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 एग्ज़ाम 2020 और CGL 2019 टायर 1 और 3 की परीक्षाओं पर भी एग्ज़ाम सेंटर्स को चेंज करने की सुविधा छात्रों के पास, ऑप्शन छात्रों के पास अवेलेबल होगा। ssc.nec.in पर रजिस्ट्रेशन, जो आपके पास आईडी और पासवर्ड हैं, उसके माध्यम से आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है दोस्तों आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आप भी एग्ज़ाम सेंटर चेंज कराने के संदर्भ में आप कुछ एग्ज़ाम सेंटर अपना चेंज कराना चाहते हैं तो ये नोटिस, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। आप आज ही अभी लॉगिन करें और अपने सेंटर को चेंज करा सकते हैं। कौन कौन से सेंटर्स अवेलेबल होंगे ये ऑप्शन भी आपको लॉगिन के माध्यम से मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर सूचित करूँगा। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।